जी हाँ, आपकी लखीसराय का गौरव यूनिक मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल, यूनिक मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। लाइक कीजिए मेरे इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल को और बेल आइकन दबाइए एवं देखिए मेरे वीडियो आप सबसे पहले। तो आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 51 की ओर। और प्रश्न संख्या 51 में दिया हुआ है कि व्यवरोधों x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 5 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के अंतर्गत z इक्वल टू 2x प्लस 3y का अधिकतम मान है, का अधिकतम मान है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो आपका क्वेश्चन आया है ये है LPP से है। तो दोस्तों उसमें सबसे पहले हमको करना क्या होता है, जो व्यवरोध दिया हुआ है उसका हम लोग आलेख खींचते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग आलेख खींचते हैं व्यवरोध का। तो यहाँ पर व्यवरोध दिया हुआ है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5। तो दोस्तों इस असमीका के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग एक समीकरण मानते हैं, और तो मान लेते हैं समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों y इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस एक्स। अब यहाँ से आप लोग को दो पॉइंट निकाल लेना है, कम से कम दो पॉइंट। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ दो पॉइंट निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, दो पॉइंट। तो x का मान अगर हम 0 लेते हैं तो y का मान यहाँ पे हमको 5 मिलता है, और यदि x का मान 5 लेते हैं तो y का मान यहाँ पे हमको 0 मिलता है। ठीक दोस्तों, अब करना क्या होता है दोस्तों, इसका हमको आलेख खींचना होता है। तो दोस्तों इसका आलेख खींच लेंगे हम लोग, ये x और ये होगी आपका y और ये होगी आपका मूल बिंदु। ठीक है दोस्तों, ये होगी आपका मूल बिंदु। तो दोस्तों यहाँ पे डिनोट कर लेते हैं पॉइंट को, 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पर आपका यह 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे x में 0 है, y में 5 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कि x में 5 है, y में 0 है, तो दोस्तों आपका ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आपका ये पॉइंट हो जाएगा। अब इस दोनों बिंदु को हम लोग मिला देते हैं, इन दोनों बिंदु को हम लोग क्या किए दोस्तों, मिला दिए। ठीक है दोस्तों, अब इसमें दोस्तों हमको देखना क्या है, मतलब मेन हमको आलेख खींचना है असमीका का। तो असमीका में दिया हुआ है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5। तो दोस्तों करते क्या है, इसमें हम लोग मूल बिंदु को असमीका में रख के देखते हैं कि अगर ये मूल बिंदु जो है असमीका को संतुष्ट करता है, असमीका को संतुष्ट करता है, तो असमीका का क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होता है, और यदि मूल बिंदु असमीका के समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है, तो असमीका का क्षेत्र मूल बिंदु मतलब रेखा के दूसरी साइड हो जाता है। तो दोस्तों अब हम इसमें मूल बिंदु रख के देखते हैं, तो रखते हैं 0 प्लस 0 लेस देन 5, तो 0 लेस देन 5। ठीक दोस्तों, तो वास्तव में दोस्तों 0 जो है 5 से छोटा है, तो इसलिए इस असमीका का क्षेत्र कहाँ होगा, मूल बिंदु की तरफ, और x से बड़ा होना चाहिए बराबर, और y से बड़ा होना चाहिए और बराबर। ठीक दोस्तों, तो इसका जो होगा एरिया, ये एरिया आपका रंग आ जाएगा, ये एरिया आपका दोस्तों कलर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब जो एरिया हमको कलर हो गया है दोस्तों, इस एरिया से हमको बिंदु निकालना है। ठीक दोस्तों, क्या निकालना है, बिंदु। देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को तीन बिंदु मिल चुका है, एक मूल बिंदु है 0 0 और एक ये बिंदु है, इसका नियामक ले लेते हैं दोस्तों हम लोग 5 0, और एक ये बिंदु हो जाएगा दोस्तों, इसको मान लेते हैं बी, इसका नियामक दोस्तों हो जाएगा 0 और 5। अब दोस्तों हम लोग को देखना है कि इसी तीन बिंदु पर कौन सा बिंदु ऐसा है जिस पर जेड का मान अधिकतम होता है। ठीक दोस्तों, जेड का मान अधिकतम होता है, तो दोस्तों अगर हम 0 5 पर जेड का मान निकालते हैं, 0 5 पर हम जेड का मान निकालते हैं दोस्तों, तो यहाँ 15 आता है।
ठीक दोस्तों, कितना आता है 15, 0 और 5 पर। और दोस्तों अगर हम 50 पे जेड का मान निकालते हैं, 50 पे अगर हम जेड का मान निकालते हैं तो 10 आता है। और दोस्तों अगर हम 00 पे बाय जेड का मान निकालते हैं तो यहाँ पे 0 आता है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कि 05 पर जेड का मान अधिकतम होता है और वो मान कितना है 15 है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। तो आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। ठीक दोस्तों, तो हम लोग प्रश्न संख्या 52 की ओर बढ़ते हैं। और प्रश्न संख्या 52 को यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्न में कौन सत्य है, निम्न में कौन सत्य है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। यानी PE/F = PE (F)/PF। दोस्तों ये फॉर्मूला होता है। और दोस्तों अगर रहेगा फॉर्मूला में आपका PF/E, ठीक दोस्तों, तो इसको लिखेंगे PE (F)/PE, ठीक दोस्तों, PE। दोस्तों दोनों का ऊपर वाला सेम होगा, अगर यहाँ नीचे F है तो नीचे F होगा और यहाँ नीचे E है तो नीचे E होगा। ठीक दोस्तों, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर B। तो आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 53 में दिया हुआ है कि एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है तो ठीक 6 चित आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक, 6 चित आने की प्रायिकता क्या होगी, मतलब 6 हेड आने की प्रायिकता निकालना है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, हम लोग को सबसे पहले हम लोग एक उछाल में निकालते हैं। कितना उछाल में दोस्तों, एक उछाल में। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक उछाल में निकाल लेते हैं, एक उछाल में। तो दोस्तों एक उछाल में नंबर ऑफ एस हो जाएगा दोस्तों 2। नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा दोस्तों 2। और नंबर ऑफ ई दोस्तों हो जाएगा आपका 1, क्योंकि एक उछाल में एक ही हेड आएगा। तो दोस्तों एक उछाल में इसका प्रयागता दोस्तों हो जाएगा PE = 1/2। तो इसको दोस्तों हम लोग मानते हैं पी। क्या मानते हैं दोस्तों, इसको हम लोग पी मानते हैं। अब दोस्तों हमको निकालना होता है क्यू। क्यू को बोलते हैं हम लोग घटना नहीं घटने की प्रयागता, मतलब इसमें ये पी है दोस्तों हेड आने की प्रयागता, तो क्यू दोस्तों होगा हेड नहीं आने की प्रयागता। इसलिए दोस्तों इसको करेंगे क्या हम लोग 1-P कर देंगे। तो दोस्तों आएगा 1-1/2। तो दोस्तों इसका भी आ जाएगा दोस्तों आपको 1/2। अब दोस्तों लेकिन हमको निकालना है 10 उछाल में। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक दोस्तों, हाँ लिखना है PX = R होता है दोस्तों NCR (Q)(n-r)(P)(r)। ठीक है दोस्तों, जहां दोस्तों आपका n होगा टोटल उछाल की संख्या, जितना टोटल बार उछालने के लिए बोला जा रहा है। और दोस्तों r होगा आपका जितना बार आपको हेड लाने के लिए कहा जा रहा है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे PX = यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका 6, क्योंकि हमको प्रश्न बोल रहा है कि 6 चित आने की प्रायिकता क्या होगी। और दोस्तों N = हो जाएगा 10C6, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 10 क्यों लिए हैं, क्योंकि सिक्का को 10 बार उछालने के लिए कहा जा रहा है। और दोस्तों क्यू का मान तो जानते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 1/2। और दोस्तों हो जाएगा 10-6 × P (1/2)/r दोस्तों हो जाएगा आपका R = 6। ठीक दोस्तों, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका हो जाएगा (10)/(6)×(, दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे आपका 4। और दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/2 (1/2)/(4), दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे 4×(1/2)/(6). दोस्तों हो जाएगा आपका 6। ठीक दोस्तों, हो जाएगा आपका 6। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों इसको हम लोग तोड़ देते हैं। तो लिख सकते हैं दोस्तों 10 गुना
9 गुना 8 गुना 7, और इसको लिख सकते हैं दोस्तों 4 गुना 3 गुना 2। ठीक दोस्तों, आप हो जाएगा दोस्तों आपको 1/2 पे पावर 10, 1/2 पे पावर 10। ठीक दोस्तों, अब इसको हम लोग काट लेते हैं दोस्तों। तो काटने पर हैं दोस्तों, ये कट जाएगा 4, ये 4 और 4 कट जाएगा दोस्तों, 3 और 3 कट जाएगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक दोस्तों, और दोस्तों इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा पूरा, तो सॉल्व करने पर आपका दोस्तों आ जाएगा आंसर 105/512। दोस्तों 105/512, इसको जब सॉल्व कीजिएगा पूरी तरह से, तो दोस्तों आपका जाएगा 105/512। इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। तो आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे प्रश्न संख्या 54, और प्रश्न संख्या 54 में दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि एन एक द्विधारी संक्रिया शून्य इस प्रकार हो कि ए शून्य बी बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो 203 बराबर है। ठीक दोस्तों, मतलब दोस्तों यहाँ पे हमको दिया हुआ है ए जीरो बी बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू, इसको ओ भी दोस्तों हम लोग पढ़ सकते हैं, इसको हम लोग ओ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिखते हैं 203, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ए ओ बी तो है ए क्यू प्लस बी क्यू, तो 203 तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस 27। ठीक दोस्तों, अब इसको हम जोड़ देते हैं यहाँ पे हम लोग, इसको जो हम लोग जोड़ देते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 35। कितना दोस्तों आएगा आपका आंसर है 35। इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 35। ठीक दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। यहाँ दिया हुआ है दोस्तों वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों यहाँ पे कि अगर एक ही सदिश का उसी सदिश से क्रॉस गुणनफल निकालते हैं तो शून्य सदिश होता है। ठीक है, क्या होता है शून्य सदिश। तो दोस्तों यहाँ पे जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ओ, दोस्तों वेक्टर ए डॉट वेक्टर ओ करेंगे तो दोस्तों आपका आ जाएगा शून्य। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 0। तो आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56, और 56 में दोस्तों दिया हुआ है यहाँ पे कि ब्रैकेट जे वेक्टर के वेक्टर और आई वेक्टर। ठीक है दोस्तों, आई वेक्टर, दोस्तों इसमें करना क्या है आपको दोस्तों यहाँ पे किसी एक ठो को निकाल लीजिएगा, तो जिसको दोस्तों निकालिएगा वो रहेगा आपका डॉट प्रोडक्ट में, और जो अंदर में दो को बचेगा वो रहेगा आपका क्रॉस प्रोडक्ट में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हो जाएगा के वेक्टर के क्रॉस वेक्टर आई। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दोस्तों पढ़ रहे हैं फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, हम लोग फार्मूला पढ़ रहे हैं कि वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे, तो वेक्टर होता है दोस्तों वेक्टर के। अब दोस्तों पढ़ रहे हैं हम लोग वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के, तो दोस्तों फॉर्मूला होता है वेक्टर आई। और दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं आई जे के, तो के आई, हाँ तो दोस्तों वेक्टर के क्रॉस वेक्टर आई, तो फॉर्मूला होता है दोस्तों वेक्टर जे। ठीक दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है दोस्तों के क्रॉस आई, तो इसका फॉर्मूला होगा वेक्टर जे। हम लोग दोस्तों पढ़ रहे हैं वेक्टर जे इंटू वेक्टर जे। ठीक है, अदिश गुणनफल में दोस्तों हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला कि वेक्टर आई इंटू वेक्टर आई बराबर वेक्टर जे इंटू वेक्टर जे बराबर वेक्टर के इंटू वेक्टर के इक्वल टू दोस्तों होता है 1। अदिश गुणनफल में मतलब डॉट प्रोडक्ट में इसका जो गुणनफल होता है 1 होता है, लेकिन क्रॉस में अगर यही आएगा तो 0 होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसलिए वेक्टर जे डॉट वेक्टर जे इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा आपका 1। इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। तो आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 57 की ओर, और प्रश्न संख्या 57 में दिया हुआ है दोस्तों आपका यहाँ पे वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के और क्रॉस वेक्टर आई। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं फॉर्मूला वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के
फैक्टर जे क्रॉस फैक्टर के इक्वल टू दिया दोस्तों फैक्टर आई, तो दोस्तों आ जाएगा फैक्टर आई क्रॉस फैक्टर आई। तो दोस्तों फैक्टर आई क्रॉस फैक्टर आई, अभी जैसा आप लोग को बताए हैं कि किसी सदिश का अगर उसी सदिश से क्रॉस गुणनफल निकालते हैं तो उसका मान शून्य आता है, इसलिए इसका आंसर शून्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों आपका शून्य सदिश यानी वेक्टर शून्य वेक्टर ओ, मतलब इसका आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक दोस्तों, तो आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58, और प्रश्न संख्या 58 में दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न संख्या 58 में दोस्तों दिया हुआ है कि ए ओ बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्रकार से परिभाषित एन में एक द्विधारी संक्रिया ओ है, तो निम्नलिखित में कौन सत्य है, कौन मतलब इसमें दोस्तों मुझे चेक करना है कि ये सहचर और कर्मिनी में होगा या नहीं। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि अगर हम ए अगर हम निकाले बी ओ ए, तो दोस्तों लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आप जिसको इसको उल्टेंगे दोस्तों तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब दोनों बराबर आ गया दोस्तों, मतलब ए ओ बी बराबर दोस्तों आ गया बी ओ ए। तो ये दोस्तों आपका हो गया क्रम विनिमय। अब दोस्तों हमको चेक करना है सहचर, तो सहचर भी हम लोग चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो सहचर में दोस्तों पहले हम लोग ए लिखते हैं ए ओ बी और ओ सी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसको करते हैं पहले ये तोड़ते हैं अंदर वाला को, तो दोस्तों हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ओ सी। अब दोस्तों तोड़ते हैं ये दोनों को, इसको ए मानिए और इसको बी मानिए, तो दोस्तों वहाँ पर दिया हुआ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। ठीक दोस्तों, तो वहाँ पे दोस्तों अगर इसको हम तोड़ देंगे तो दोस्तों आ जाएगा ए पावर फोर प्लस बी पे पावर फोर और प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब दोस्तों हम लोग को निकालते हैं ए ओ बी ओ सी, अब पहले तोड़ते हैं ब्रैकेट वाला अंदर वाला को। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका ए ओ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब दोस्तों ये दोनों को तोड़ देते हैं, तो दोस्तों हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब दोस्तों इसका पूरा तोड़ देते हैं, तो ए स्क्वायर और जाएगा दोस्तों बी पावर फोर प्लस सी पे पावर फोर प्लस टू बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं ये दोनों बराबर नहीं आया है, तो दोस्तों हम बोल सकते हैं ये सिर्फ क्रम विनिमय है, सहचर नहीं है दोस्तों। इसलिए इस प्रश्न का दोस्तों आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, क्रम विनिमय है किंतु सहचर नहीं है, क्रम विनिमय है किंतु सहचर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। तो आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 59 की ओर, और प्रश्न संख्या 59 में दिया हुआ है दोस्तों कि ताश की एक गड्ढी से यादृच्छ या दो पत्ते निकाले जाते हैं, यदि एक्स इक्व की संख्या हो तो एक्स का मान है। तो दोस्तों सबसे पहले करना क्या है, हम लोग को निकालना है एक पत्ता के बारे में। ठीक है, जब ताश के गड्ढे से एक पत्ता खींच लेते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे ताश के गड्ढे का प्रश्न है, तो इसलिए नंबर ऑफ एस हो जाएगा दोस्तों आपका 52, और दोस्तों निकाल लेते हैं नंबर ऑफ ई, तो ताश के गड्ढे से जब एक इक्का का पत्ता खींचते हैं एक, तो इसलिए दोस्तों नंबर ऑफ ई हो जाएगा आपका 4, इसलिए दोस्तों यहाँ पे निकाल लीजिए पी, तो पी दोस्तों हो जाएगा आपका पीई, तो दोस्तों होता है नंबर ऑफ ई और बटे नंबर ऑफ एस, तो दोस्तों हो जाएगा आपका 4/52, तो आ गया दोस्तों 1/13। दोस्तों ये आपका आ गया इक्का के निकालने की घटना, इक्का के निकालने की घटना, तो निकाल लेते हैं दोस्तों क्यू, इक्का मतलब इक्का नहीं आने की घटना। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा 1-P, तो दोस्तों होगा 1-1/13, तो दोस्तों होगा 13-1/13, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे 12/13। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग लगाते हैं बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। ठीक है, यानी बर्नौली का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, तो दोस्तों फॉर्मूला होता है पी बराबर एक्स बराबर छोटी एक्स बराबर एन सी एक्स एन सी एक्स पी पे पावर एक्स और q पे पावर n माइनस एक्स। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि बोला गया है कि दो इक्का ना दो पत्ते निकाले जाते हैं, तो यदि x इक्को की संख्या हो दो पत्ता खींचते हैं, और यदि x इक्को की संख्या हो ठीक है ना, x इक्को की संख्या तो हो सकता है एक बार पत्ता खींचे तो एक भी इक्का ना निकले तो शून्य हो जाएगा, हो सकता है एक बार पत्ता खींचे तो एक इक्का निकले तो वन और फिर टू। अब दोस्तों इसका हम लोग ये खींच लेते हैं, ये हो जाएगा दोस्तों अब x बराबर छोटे x और दोस्तों हो जाएगा आपका पी एक्स बराबर x ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जीरो रखते हैं, क्या रखते हैं दोस्तों जीरो, तो दोस्तों यहाँ जीरो रखते हैं और यहाँ n का मान दोस्तों आपका टू हो जाएगा, n का मान टू लिख सकते हैं टू सी एक्स पी पे पावर x इंटू क्यू पे पावर टू माइनस x ठीक है दोस्तों, टू माइनस x यहाँ पे मान पुट कर देते हैं दोस्तों तो होगा टू सी एक्स टू सी एक्स और p का मान दिया हुआ है दोस्तों आपका यहाँ पे वन बटे तेरह पे पावर x और दोस्तों आ जाएगा यहाँ पे बारह बटे तेरह पे पावर टू माइनस x टू माइनस x ठीक दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों पहले जीरो रख के देखते हैं जीरो, तो दोस्तों जीरो रख के देखते हैं तो होगा टू सी जीरो और वन बटे तेरह पे पावर जीरो इंटू बारह बटे तेरह पे पावर टू माइनस जीरो ठीक दोस्तों, टू माइनस जीरो तो यहाँ दोस्तों हो जाएगा आपका फैक्टोरियल टू बटे फैक्टोरियल जीरो इंटू फैक्टोरियल टू। अब दोस्तों इसका मान हो जाएगा एक और इसका मान दोस्तों हो जाएगा आपका 144 और बटे 169 और दोस्तों इसका मान हो जाएगा आपका एक, मतलब यहाँ पे टोटल आ जाएगा दोस्तों आपका 144 बटे 169। अब दोस्तों यहाँ वन रख के देखते हैं वन ठीक दोस्तों, तो वन रख के देखते हैं दोस्तों यहाँ जाएगा टू सी वन और दोस्तों हो जाएगा वन बटे तेरह पे पावर वन इंटू बारह बटे तेरह पे पावर टू माइनस वन दोस्तों, तो हो जाएगा यहाँ पे फैक्टोरियल टू बटे फैक्टोरियल वन इंटू फैक्टोरियल वन और दोस्तों यहाँ पर जाएगा आपका वन बटे तेरह इंटू बारह बटे तेरह ठीक दोस्तों। तो दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पे दो चौबीस बटे 169 चौबीस बटे 169 ठीक दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोग दो रख के देखते हैं दोस्तों, तो हो जाएगा टू सी टू टू सी टू इंटू वन बटे तेरह पे पावर टू इंटू बारह बटे तेरह पे पावर टू माइनस टू दोस्तों, टू सी टू का मान एक हो जाएगा हो जाएगा दोस्तों वन बटे 169 दोस्तों इसका मान एक हो जाएगा तो हो जाएगा वन बटे 169। अब नेक्स्ट निकाल लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो दोस्तों ई एक्स का मान आपका आ जाएगा दोस्तों जीरो गुना 144 बटे 169 और प्लस वन गुना 24 बटे 169 और प्लस दो गुना एक बटे 169 तो दोस्तों आ जाएगा यहाँ पे 24 बटे 169 और प्लस दो बटे 169 दोस्तों इसको जोड़ देते हैं दोस्तों हम लोग, चौबीस दो हो जाएगा दोस्तों 26 बटे 169 ठीक दोस्तों। अब इसको काट देते हैं दोस्तों 13 दूनी 26 और 13 बार में कट जाएगा दोस्तों तो हो जाएगा दो बटे 13 दो बटे 13। इसलिए इस प्रश्न का दोस्तों आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो आए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60 प्रश्न संख्या 60 ठीक दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 60 को हम लोग देख लेते हैं, तो प्रश्न संख्या 60 में दोस्तों यहाँ दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 60 में दिया हुआ है कि x इक्वल टू 1, 2, 3 तो 1, 2 और 2, 1 को शामिल करते हुए तुल्यता संबंध की संख्या है। तो दोस्तों हम लोग संबंध के बारे में पढ़े हैं ठीक दोस्तों, एक होता है सतुल्य संबंध, एक होता है दोस्तों आपका सममित संबंध और एक होता है दोस्तों आपका संक्रमक संबंध। और जो संबंध तीनों होता है सतुल्य सममित और संक्रमक तीनों होता है उसको हम लोग बोलते हैं तुल्यता संबंध, उसको हम लोग क्या बोलते हैं तुल्यता संबंध ठीक दोस्तों। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे पहले करते क्या है इसको एक्स क्रॉस एक्स निकाल लेते हैं ठीक दोस्तों, एक्स क्रॉस एक्स तो दोस्तों एक्स क्रॉस एक्स निकालते हैं मतलब 1, 2, 3 और क्रॉस 1, 2, 3 ठीक दोस्तों। तो जाएगा दोस्तों 1 गुना 1 करेंगे तो 1, 1
वन गुना टू करेंगे तो वन टू, और वन गुना थ्री करेंगे दोस्तों वन थ्री। ठीक है दोस्तों, अब टू से करते हैं, टू गुना वन करेंगे टू वन, और टू गुना टू करेंगे तो टू टू, और टू गुना थ्री करेंगे तो टू थ्री। अब थ्री से करते हैं दोस्तों तो थ्री गुना वन करेंगे थ्री वन, थ्री गुना टू करेंगे थ्री टू, और थ्री गुना थ्री करेंगे थ्री थ्री। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों पहला नंबर एक, सतुल्य संबंध किसे कहते हैं? सतुल्य संबंध, तो सतुल्य संबंध दोस्तों मतलब ऐसा संबंध, मतलब ऐसा संबंध, ठीक दोस्तों ऐसा संबंध जिसमें जितना भी समुच्चय में अवयव दिया हुआ वो सभी सेम टू सेम, जैसे वन वन टू टू थ्री थ्री, जैसे जिसमें वन टू थ्री अवयव दिया हुआ है, तो ऐसा संबंध जिसमें वन वन टू टू और थ्री थ्री आएगा उसको बोलेंगे हम लोग सतुल्य संबंध। ठीक है दोस्तों, वन वन टू टू थ्री थ्री, ये तीनों अवयव अवश्य आना चाहिए, और इसमें एक दो तीन अवयव है तो वन वन टू टू और थ्री थ्री अवश्य आना चाहिए, इसके अलावा और कुछ आ सकता है लेकिन ये तीनों अवश्य आना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं सतुल्य संबंध। ठीक दोस्तों, उसके बाद नंबर दो, नंबर दो, ठीक है दोस्तों, नंबर दो आपका आता है सममित संबंध। क्या दोस्तों आता है आपका? सममित संबंध। तो दोस्तों सममित संबंध कहता है कि अगर मेरे अंदर वन टू है तो इसका उल्टा भी है, मतलब टू वन भी जरूर आना चाहिए, टू वन, और मेरे अंदर वन टू है तो टू वन भी आना चाहिए, और इसके अलावा कोई और आ सकता है लेकिन मेरे अंदर वन टू है तो टू वन आना चाहिए, मतलब जितना अवयव है उसका उल्टा भी इसके अंदर आना चाहिए। ठीक दोस्तों, चलिए, और तीसरा दोस्तों आपका होता है संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध वो दोस्तों बोलता है कि अगर मेरे अंदर वन टू है और टू वन है तो दोस्तों वन वन भी आना चाहिए, वन वन भी आना चाहिए दोस्तों, मतलब बोल रहा है कि अगर मेरे अंदर ए बी है, बी सी है, तो दोस्तों ए और सी भी रहना चाहिए। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों हमको बोल रहा है कि वन टू और टू वन को शामिल करते हुए कितना तुल्यता संबंध बन सकता है, कितना तुल्यता संबंध बन सकता है। तो दोस्तों तुल्यता संबंध हम लोग बनाते हैं यहाँ पे, तुल्यता संबंध हम लोग बनाते हैं यहाँ पे हम लोग तुल्यता संबंध। ठीक दोस्तों, चलिए मान लेते हैं इसको आर डैश वन, तुल्यता संबंध एक दोस्तों बन जाएगा आपका। यहाँ देखिए, चलिए पहले यहाँ लिखते हैं वन टू और टू वन, लिख लिए दोस्तों वन टू और टू वन, और फिर लिख देते वन वन टू टू और थ्री थ्री। ठीक है दोस्तों, वन वन टू टू थ्री थ्री, देखिए दोस्तों इसमें पहले देख लीजिए वन वन है, टू टू और थ्री थ्री है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है? सतुल्य भी है। फिर देखिए दोस्तों इसमें वन टू और टू वन है तो सममित भी है, और दोस्तों देखिए इसमें वन टू है टू वन है तो वन वन भी है, तो ये संक्रमक संबंध भी है। इसे दोस्तों ये आपका हो गया क्या चीज, ये आपका हो गया तुल्यता संबंध। ठीक, तो एक संबंध हमको मिल गया आर वन डैश, जो दोस्तों तुल्यता संबंध भी है और इसके अंदर वन टू भी है और टू वन भी है, और दोस्तों आपका दूसरा संबंध हो जाएगा मान लेते हैं आर डैश टू, जो तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, दूसरा संबंध आर डैश टू जो तुल्यता संबंध होगा, इसके अंदर जो अवयव आएगा दोस्तों आपका आ जाएगा वन टू, टू वन, वन वन, टू टू, थ्री थ्री, टू थ्री, थ्री टू, थ्री टू, वन थ्री और थ्री वन। ठीक है दोस्तों, यही दो संबंध होगा। ठीक दोस्तों, देखिए ये भी दो दोस्तों जो है तुल्यता संबंध है, कैसे तो आपको बता देते हैं। देखिए वन वन है, टू टू है और थ्री थ्री है, तो ये सतुल्य हो गया। अब दोस्तों वन टू है तो टू वन भी है, वन वन का उल्टा तो वन वन ही होगा, टू टू का उल्टा टू टू ही होगा, थ्री थ्री का उल्टा थ्री थ्री ही होगा, टू थ्री का उल्टा थ्री टू है, वन थ्री का उल्टा थ्री वन है। ठीक दोस्तों, तो ये आपका सममित भी हो गया। दोस्तों संक्रमक देखिए वन टू है और टू वन है तो वन वन भी है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे टू थ्री है, टू थ्री है और थ्री टू है तो टू टू भी है। अब जो देखिए वहाँ वन थ्री है, थ्री वन है तो वन वन भी है, तो दोस्तों आपका संक्रमक भी हो गया, मतलब तीनों हो गया। इसलिए दोस्तों ये हो गया तुल्यता संबंध हो गया जिसमें वन टू और टू वन शामिल है, तो इसलिए दोस्तों वन टू और टू वन को शामिल करके हम लोग कुल दो संबंध बना सकते हैं। कितना संबंध दोस्तों? दो संबंध बना सकते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का दोस्तों आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक दोस्तों,
तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।